रिश्ते तितली की तरह होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ जाते हैं। नीति अग्रवाल और गौरव वशिष्ठ की ये प्रेम कहानी और इस प्रेम कहानी से जुड़े बड़े बुजुर्गों की सोच, उनकी मानसिकता आज के समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब शादी के बाद लड़की ससुराल पहुंचती है तो ससुराल वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके तौर तरीकों को, उनके खान पान, उनके रहन सहन को जल्दी से जल्दी समझ ले और अपने आप को उसमें ढाल ले। ऐसी सोच में अक्सर वो ये बता जाते हैं लड़की को कि भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है, तुम्हें ऐसा ही करना है, तुम्हारा गलत और हमारा सही। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जो लड़की है वो अपने मायके को अपने दिल में इस कदर बसा कर लाती है कि वो बात बात में ये बता जाती है कि हमारा सही तुम्हारा गलत, हम ऐसे करते हैं, ये ज्यादा बेटर है। तो जहां ये सोच होती है हमारा सही और तुम्हारा गलत वाली, वहां रिश्तों में मिठास कैसे हो सकती है। हुआ यूं कि दिल्ली में रहने वाले गौरव वशिष्ठ और लखनऊ में रहने वाली नीति अग्रवाल दोनों ही एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी में साथ काम करते थे। नीति वहां स्टाइलिस्ट थी और गौरव वशिष्ठ मार्केटिंग इंटर्न। निगाहें मिली, बातचीत हुई, चंद मुलाकातों के बाद दोनों को ये लगने लगा कि दोनों बस एक दूसरे के लिए बने हैं। जब उन्होंने अपने घर में ये बात बताई तो घर वालों ने, गौरव के पेरेंट्स ने ये कहा कि अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो पहले नौकरी तो पक्की कर लो, अभी तो तुम एज एन इंटर्न काम कर रहे हो, तुम्हें इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, पहले इतना तो कमा लो कि तुम अपना खर्चा खुद उठा पाओ। दोनों को ही ये बात बिल्कुल अच्छी लगी। आखिर गौरव MBA करने के लिए UK चले गए और यहाँ दिल्ली में नीति अपनी ही फील्ड में जी जान से पूरी मेहनत से लग गई काम करने में। 2001 की बात है, उस समय दोनों के पास ही मोबाइल नहीं था, दोनों का आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ उस बीच। 2 साल वहाँ उन्होंने MBA किया गौरव ने और कुछ दिन वहाँ जॉब भी की। फिर वो वापस इंडिया लौट कर आए तो फिर से उन्होंने नीति से कॉन्टैक्ट किया। इस समय तक नीति काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, उन्हें भी काफ़ी अच्छी पे मिल रही थी और गौरव भी अच्छा कमा रहे थे। दोनों की शादी तय हो गई। शादी वाले दिन बाराती जब खाना खाने जा रहे थे तो नीति के पिताजी से गौरव के पिताजी ने कहा, खाना तो हम आपके साथ ही खाएंगे। नीति के पिताजी बोले, लेकिन रस्मों के हिसाब से मैं कन्यादान के बाद ही खाना खा सकता हूँ। गौरव के पिताजी ने कहा, अगर आप दान दे रहे हैं तो हम भी तो दान ले रहे हैं, फिर तो हमें भी नहीं खाना चाहिए। ना ना, खाना तो हम आपके साथ ही खाएंगे। आखिर नीति के पिताजी को झुकना पड़ा और दोनों ने साथ खाना खाया। जब नीति ससुराल पहुंची तो वो अपना सूटकेस ढूंढ रही थी क्योंकि वो फ्रेश होना चाहती थी और उनका सारा सामान उस सूटकेस में था। तब उनकी सासू माँ आई और उन्होंने कहा कि सूटकेस से सामान निकालकर तुम मेहमान पहनते हैं, तुम्हारी ये जो अलमारी है ना, इसमें मैंने तुम्हारी साइज के सारे कपड़े खरीद कर रखे हैं, जरूरत का हर सामान खरीद कर रखा है, निकालो और इस्तेमाल करो, अभी तुम थकी हुई हो, सूटकेस से सामान आराम से निकाल लेना। नीति के दिल को ये बात छू गई। उन्हें लगा कि शायद बहुत सारी अरेंज्ड मैरिजेस में भी इतना ख्याल लड़की का नहीं रखा जाता, वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही थी। कुछ दिन वहां साथ रहे वो लोग, कुछ महीने, और उसके बाद जब गौरव की दुबई की एक बड़ी कंपनी में जॉब लगी तो भले ही गौरव अपने माँ बाप के अकेले बेटे थे लेकिन फिर भी गौरव के माता पिता ने उन्हें पूरी तरह प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए और उस जॉब को ज्वाइन करने के लिए। नीति और गौरव दोनों ही भले ही दुबई में हैं, अपने इन लॉस से दूर है, लेकिन वो कहती हैं कि जो वो दिन उनके साथ हमने बिताए थे वो इतने मीठे थे, वो यादें इतनी अच्छी हैं कि आज भी हम जब मिलते हैं तो गले मिलते हैं। हमारे रिश्तों में बहुत मिठास है क्योंकि वो जो पल हमने साथ गुजारे थे उसमें इतनी अच्छाइयाँ भरी थी। अपने बड़े बुजुर्गों से हमने ये सीखा कि कोई भी जो नया रिश्ता होता है वो एकदम पौधे की तरह होता है, जैसे किसी पौधे को लगाओ तो उसे स्नेह और जगह की जरूरत होती है, वैसे ही किसी नए रिश्ते को भी स्नेह और जगह की जरूरत होती है। तो फिर चाहे अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, कास्ट मैरिज हो या इंटरकास्ट मैरिज हो, इस बात से तो फर्क ही नहीं पड़ता। घर वालों की सोच कैसी है, बड़ों बुजुर्गों की सोच कैसी है, बच्चों की सोच कैसी है, इसी से परिवार का सुख है, इसी बात से फैमिली के सदस्य आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं। तो
तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल सोनिया अग्रवाल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।